Good morning student, myself Suraj from Gateway School. Today we will discuss about chapter 2, component of food, of class 6. ये हमारा lecture 4 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? Balance diet के बारे में पढ़ेंगे. तो balance diet क्या होता है देखते हैं. A diet containing all the nutrients and other components in a proper proportion is called a balance diet. वैसा diet जिसमें सारा न्यूट्रिएंट तो हम जानेंगे क्या होता है. तो सारा न्यूट्रिएंट उस डाइट में प्रेजेंट हो, प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, और वो हमारे बॉडी को जरूरत है वो पूरे अमाउंट में, तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट कहलाएगा. फिर से रिकॉल करते हैं. अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट एंड अदर कंपोनेंट्स इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन इज नोन एज बैलेंस डाइट. ठीक है, अब कुछ डिजीज है उसको जानते हैं. डिफिशिएंसी डिजीज. डिफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? जैसे लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इन द डाइट कैन काउज डिजीज. अब कोई भी चीज न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को अगर जरूरी है, कमी पड़ गई, लैक पड़ गई, लैक मीन्स कमी, तो हमारे बॉडी को अगर कमी हो गई, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या फिर प्रोटीन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, तो वो भी एक डिजीज, वो एक बीमारी ही कहलाएगा. ठीक है, तो डिजीज दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट आर कॉल्ड द डिफिशिएंसी डिजीज. तो वैसे डिजीज जो न्यूट्रिएंट की, किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है, वो डिजीज क्या कहलाता है? डिफिशिएंसी डिजीज कहलाता है. जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है वो डिजीज कहलाएगा. प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की कमी वाले डिजीज हो जाएंगे. विटामिन की कमी है तो विटामिन की कमी वाले डिजीज हो जाएंगे. ठीक है, दिस डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये जो बीमारी होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से, खाने से फैलता नहीं है. तो मतलब ये सिर्फ पार्टिकुलर किसी इंसान में न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है, और उनके साथ बैठने, खाने, उठने से ये बीमारी एक दूसरे में फैलता नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे डिफिशिएंसी डिजीज है. आगे हम डिजीज कौन से विटामिन से और कौन से मिनरल से कमी से क्या डिजीज और उसके क्या सिम्टम्स हैं वो देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.